चीन की राजधानी कहाँ बेटा? बीजिंग। ईरान की राजधानी कहाँ? तेहरान। इराक की राजधानी कहाँ? बलान। बगदाद। भूटान की राजधानी कहाँ? थिम्पू। नेपाल की राजधानी कहाँ? काठमांडू। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ? काबुल। कनाडा की राजधानी कहाँ? ओटावा। ओटावा। रूस की राजधानी कहाँ? मॉस्को। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ? इस्लामाबाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अल्ताफ और आप देख रहे हैं दी कंटा। अगर आप केबीसी देखते हैं या खबरों पर आपकी नज़र है तो आपको साल 2013 का एक केबीसी का एपिसोड याद होगा, जिसमें महज एक 5 साल का बच्चा अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठता है और अपने ज्ञान से सबको चौंका देता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कौतल्य पंडित की। महज 5 साल का एक बच्चा जो अपने ज्ञान, अपनी प्रतिभा और अपने नॉलेज से ना जाने कितनों के होश खड़े कर देता है और सोचने पे मजबूर कर देता है कि कैसे 5 साल का बच्चा इतनी ज्ञान रखता है। इस केबीसी एपिसोड के बाद उसे ना जाने हर चैनल का चेहरा बना दिया गया, हर चैनल पर कार्यक्रम किए गए, एंकर उनसे सवाल करते और वो बच्चा यानी कौटिल्य पंडित उसके आसानी से जवाब दे देता और सबको चौंका देता। छोटा देश वेटिकन सिटी है तो उसका एरिया कितना है? 110 किले। के दो पड़ोसी देशों का नाम? वेनेजुएला के दो पड़ोसी देश बता दो इन्हें। वेनेजुएला के हैं गुयाना और ब्राजील। वेरी गुड। इस घटना के बाद कौटिल्य पंडित को लोग गूगल बॉय के नाम से जानने लगे और वो पूरी दुनिया में गूगल बॉय के नाम से ही पहचाना जाने लगा। आज वो बच्चा बड़ा हो गया है, लेकिन मैं आज उनकी बात नहीं करूंगा, आज मैं बात किसी और की करूंगा। लेकिन उससे पहले कौटिल्य पंडित गूगल बॉय बना तो फिर महज 2 साल का एक और बच्चा, कौटिल्य पंडित 5 साल का था तो उस कौटिल्य पंडित को पीछे करते हुए महज 2 साल का एक और बच्चा गूगल गुरु के नाम से फेमस हुआ और वह भी अपने ज्ञान से सबको चौंका दिया और कई न्यूज चैनल का चेहरा बना। लेकिन आज मैं जिस बच्चे की बात कर रहा हूँ ना वो 5 साल का है ना वो 2 साल का है, वो महज 9-10 महीने का है और अपने पिता के, अपने चाचा के गोद में है और उसकी बात सुनकर, उसके नॉलेज सुनकर आप अपना सर एक बार फिर पकड़ लेंगे। जी हाँ, आप देखिए ये वीडियो और उस बच्चे के ज्ञान कि कैसे वो राज्य, देश की राजधानी के नाम आसानी से बता रहा है, जिनको बताने में बड़े बड़े के पसीने छूट जाते हैं। आप देखिए ये वीडियो। चीन की राजधानी कहाँ बेटा? बीजिंग। ईरान की राजधानी कहाँ? तेहरान। इराक की राजधानी कहाँ? बलान। बगदाद। भूटान की राजधानी कहाँ? थिम्पू। नेपाल की राजधानी कहाँ? काठमांडू। काठमांडू। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ? काबुल। कनाडा की राजधानी कहाँ? ओटावा। ओटावा। रूस की राजधानी कहाँ? मॉस्को। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ? इस्लामाबाद। और तुझे बता जापान की राजधानी कहाँ बेटा? टोक्यो। भारत की राजधानी कहाँ है? भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। गांधीनगर। चल बता राजस्थान की राजधानी कहाँ है? राजस्थान राजधानी कहाँ है? जयपुर। जयपुर। पंजाब की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। और तुझे बता मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। भोपाल। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई। मुंबई। गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी। इतको देख बेटा, इतको देख। बता मिजोरम की राजधानी कहाँ है? मिजोरम की, मिजोरम की राजधानी, मिजोरम की आइजोल। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? त्रिपुरा की अगरतला। असम की राजधानी कहाँ है? असम की राजधानी देख कहाँ है, ध्यान कहाँ दे, इसको देख रो। असम की राजधानी कहाँ है? असम की राजधानी दसपुर। तो देखा आपने कैसे वो बच्चा पाकिस्तान, भूटान और भारत जैसे तमाम देशों की राजधानी के नाम यूं ही चुटकियों में बता दे रहा है, जिसको बताने में ना जाने कितने लोग सोच में पड़ जाएंगे। तो उम्र महज एक संख्या है, ये बात सच है। अगर बच्चे का दिमाग तेज हो, अगर बच्चे का जहन तेज हो या भगवान की उस पर अपार कृपा हो तो वो बच्चा उम्र की दहलीज से पहले ही बहुत कुछ पा सकता है। तो खैर, ये वीडियो दिखाने का यही तात्पर्य था कि बच्चे को अगर अच्छी शिक्षा मिले, बच्चे को अच्छा माहौल मिले तो वो अच्छी चीज़ें कम उम्र में भी सीख सकता है। इसलिए माहौल बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। आप भी अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए और उसे अच्छी बातें सिखाइए ताकि वो भी कम उम्र में अच्छी अच्छी चीज़ें सीखें और देश में अपना नाम रोशन करें।
तो खैर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों और ऐसे ही मनोरंजक खबरों के लिए भी बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दी घंटा। धन्यवाद।